मिल जाती है संसार में, संसार से मुक्ति मिलती नहीं मर के भी, मगर प्यार से मुक्ति। प्यार है एक निशान कदमों का, प्यार है एक निशान कदमों का, जो मुसाफिर के बाद रहता है। प्यार है एक निशान कदमों का, जो मुसाफिर के बाद रहता है। भूल जाते हैं लोग सब, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। प्यार है एक निशान पद लेती है राह में यादें, जब भी राहों से हम गुजरते हैं। रोक लेती है राह में यादें, जब भी राहों से हम गुजरते। दिल पे हल्की सी चोट लगती है, दर्द आंखों से फूट बहता है। प्यार है एक निशान कदमों का। पिंकी चलो बेटे घर चले। मम्मी पापा नहीं आए। पापा को जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आए। चलो उठो। नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। चलो बेटे जिद नहीं करते चलो। मैंने बोला ना मैं पापा के बिना नहीं आऊंगी। पिंकी पापा आ गए। शाबाश। अरे बेटा आ गया, ये बड़ी बात है। दुकान में अपना वो गोपाल है ना, दिन भर उसके साथ चिल्ला चिल्ला कर अपने भेजेगा बैंड बज जाता है। ये भेजा क्या होता है? वो जो तुम्हारी मम्मी के पास नहीं है। देखो जी अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी। आपकी बेटी मेरे साथ आने से साफ इनकार करती है। साफ इनकार करती है? इनकी गरीब है, साफ इनकार कर दिया। देखो अगली बार मम्मी कुछ कहे तो साफ नहीं मेला इनकार कर देना। आप तो हर बात मजाक में टाल देते हैं। बाप बेटी के अंदाज से तो ऐसा लगता है जैसे मैं इसे प्यार ही नहीं करती, और इसे पैदा करने में मेरा कोई हाथ ही नहीं था। सीमा जी वैसे हाथ तो हम दोनों का ही था, और रही प्यार की बात, चलो आज फैसला कर ही लेते हैं। जब तक पिंकी छोटी है हम उसे लाड करेंगे, जब ये बड़ी हो जाएगी आप प्यार करना, और हम आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ दूर से तमाशा देखते रहेंगे। मंजूर? मिलाओ हाथ।
हाथ भी नहीं मिला। मम्मी तुमने पापा से हाथ क्यों नहीं मिला? चल आई बड़ी पापा वाली। सुना नहीं क्या? चलो पिंकी सो जाओ। चलो पापा लोरी सुनाओ। नहीं बेटे आज लोरी नहीं सुना सकेंगे, उस कमबख्त गोपाल ने हमारा गला बैठा दिया। चलो बेटे सो जाओ। नहीं मम्मी, जब तक पापा लोरी नहीं सुनाएंगे हम नहीं सोएंगे। तो तानसेन साहब जल्दी से अपनी शहजादी को लोरी सुना दीजिए, वरना आपकी ये संगीत की शौकीन बेटी ना खुद सोएगी और ना हमें सोने देगी, समझे? तुम नहीं सुनोगे? मुझे बहुत काम है। अजय काम तो होते ही रहते हैं। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। छोटी प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है, किसी की नजर ना लगे तेरी मुन्नी ऐसी है। शहद से भी मीठी दूध से भी गोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। कारी रहना के माथे पे चमके चांद बिंदिया, कारी रहना के माथे पे चमके चांद बिंदिया, मुन्नी के छोटे छोटे नैनों में खेले बिंदिया। सपनों का पलना आशाओं की डोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही थी। क्या? जब मैं लड़की थी तो किसी की बीवी बनना चाहती थी, जब बीवी बनी तो माँ बनना चाहती थी, और अब माँ भी बन गई, ना जाने आगे क्या बनूंगी। मैं बताऊं? देवी मोहब्बत की, और मैं सारी जिंदगी एक पुजारी की तरह अपने प्यार के फूलों की माला तुम्हारे गले में पहनाता रहूंगा। जानती हो कैसे? ऐसे
पिंकी, पिंकी जल्दी जल्दी, देर हो रही है। अरे अरे, ये कैसे खा रहे हो तुम लोग? सीमा जी, काम पे जाना है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेहनत वक्त पर नहीं करें तो उसकी कीमत नहीं मिलती, और अगर कीमत नहीं मिलेगी तो फिर ये कहां से आएगा, हमारी बिटिया रानी कैसे बनेगी? पापा, हम यहीं रहेंगे। जल्दी बोलना, तुम क्या बनोगी? अब देर नहीं हो रही। अरे तुम्हारे लिए छुट्टी भी ले सकता हूँ, ले लू छुट्टी। चलो 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 चलो, देर हो रही, चलो ना। बोलो ना, ले लो। पापा, आप अपने कैप भूल गए। थैंक यू। चलो। बिल्कुल ही बच्चों जैसे हो, एक दिन भी टोपी ठीक से नहीं पहन सकते। अजी, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है, और अगर यही हाल रहा तो टोपी तो एक तरफ, हम तो कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं पहन पाएंगे, वो भी तुम्हें ही पहनाने पड़ेंगे। पहनाओगी ना? क्या कर रहे हो पिंकी? देख, पापा जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। ओहो, अच्छा फिर कभी सही, बाय बाय। ओहो पिंकी, क्या सुबह सुबह रोमांटिक मूड खराब कर दिया। बाय बाय मम्मी। बाय बाय बाय। शाम को जल्दी आना, पिंकी के बर्थडे का सामान लेना है, अगर देर से आए तो बोलूंगी नहीं। गोपाल, गोपाल, पान लाओ। लाया। पानी। ओ पाना चाहिए था। हाँ। फिर पाने क्यों बोला? ओ ओ ओ, जा 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 जा, चाहिए से भाग भाग जा। कमाने मांगते क्या है, बोलते क्या, कमा है लोग, लाइफ खराब कर दी। बाबूजी। हाँ बोलो। परसों पिंकी बेबी का जन्मदिन है ना? हाँ है। हम भी आएगा? हाँ ना। शुक्रिया बाबूजी। ओहो, अब क्या है? आप घर जाता हुआ हमको साथ ले जाएगा? हाँ ले जाएंगे। सुनो, तुम वर्मा जी के बंगले में रहती हो ना? बंगले में नहीं बाबूजी, बंगले के पीछे झोपड़ी में, मेरा चाचा वहाँ का चौकीदार है। अच्छा अच्छा, ठीक है ले जाएंगे। और बाबूजी। अरे अरे, अब जाओ बस। ए लड़की, क्यों गोपाल भैया, काम का क्या हाल है, कुछ सुनाई बुनाई देता है कि नहीं? तो भी वैसे मालूम होता है। कैलाश साहब, कब से आके बैठे देखो। लानत है तुमको। जी हाँ, शुक्रिया। आइए आइए हुसैन साहब, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? भाई अगले महीने हमारा तबादला हो रहा है। तबादला? हाँ, तो परसों रात हमने कुछ दावत रखी है घर पर दोस्तों की, तुम भी आना। ओ परसों? क्यों? परसों मेरी बेटी पिंकी का जन्मदिन है। एक्चुअली सीमा आपके घर गई होगी दावत देने। नो प्रॉब्लम, हम आ जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन कुछ देर से आएंगे भाई, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। और अगर हम अपने बजाय गोपाल को भेज दें तो चलेगा? अरे माफ करो गुरु, वहां मेरे ऑफिसर्स आने वाले हैं, क्यों मेरा प्रमोशन रुकवा रहे? साहब, ये आप लोग क्यों हंस रहे थे? आपकी तारीफ हो रही थी। तारीफ? आज 20 तारीख है। मरवाद हो गए यार। खाओ। तुम नहीं खाओगी? तुमने खा लिया? हाँ। मेरे बकाया? वरना तुम्हारी लाडली भूखी सो जाती। ओ
नाराज हो गया? नहीं, बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि नाचने को दिल कर रहा है। Really? मेरा जी भी बहुत दिनों से नाचने को कर रहा है। चलो दोनों नाचते हैं। देखो चुपचाप खाना खा लो, इस वक्त मेरा मूड नहीं मजाक का। ओए माफी मांग तो चुका हूँ, अब ऐसे भी क्या नाराजगी, काम में देर तो हो जाती है। काम काम काम, 24 घंटे काम, लगता है हमसे ज्यादा आपको काम प्यारा है। अगर ऐसे ही था तो शादी करके घर पसंद क्या जाती हूँ। दो मिनट खाना खा लो। सीमा, हे सीमा, जाओ सो जाओ, जाओ, मैं भी आता हूँ, जाओ। जोड़ता हूँ, अब ज्यादा बोर मत कर। मैं तुझे कह चुका हूँ आज पिंकी का जन्मदिन है और रास्ते में मुझे शानू को लेना है। लेकिन प्रिंसिपल साहब प्यारो लेने आए तो? मैं तुझे 10 बार कह चुका हूँ, क्या कहना? 10 रुपए? 10 रुपए मेरे पास इस वक्त नहीं है, 1 रुपया है, चलेगा आपको? ओ, लाइफ खराब कर दी। नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। जाएगी तो आ रहे हैं। मैंने कहा ना भाग मत, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। Thank you.
कमीने जलील शानों में हाथ उठाता है, मैं तेरा खून कर दूंगा, खून कमीने में तेरा खून कर डालूंगा। ये ले, अब तो बहुत देर हो गई सीमा जी, अभी तक कैलाश जी नहीं आए और बच्चों को नींद भी आ रही है, चलो अब केक कटवा दें। अच्छा एक्सक्यूज मी, पिंकी यहाँ क्या कर रही हो, चलो केक काटो बेटा। नहीं मम्मी, जब तक पापा नहीं आएंगे हम केक नहीं काटेंगे। देखो बेटे जिद नहीं करते, सबको देर हो रही, चलो। देर हो रही तो बोला जाए, पापा आएंगे तो केक काटेंगे। जी हाँ साहब, आप यहाँ फौरन चले आइए। जी फौरन, जी जी शुक्रिया शुक्रिया। हुसैन साहब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। रामलाल। यस सर। मिस्टर कैलाश को हिरासत में ले लो। हिरासत? इंस्पेक्टर साहब मैं तो खुद। मिस्टर कैलाश, जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती आपको हिरासत में रहना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, एक बार सिर्फ एक बार मुझे घर जाने दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर कैलाश, मैं मजबूर हूं। बख्शी इन्हें घर जाने दो। बट सर, इज गोना मर्डर चार्ज अगेंस्ट हिम। जानता हूं और यह भी जानता हूं कि इन्होंने कानून का लिहाज रखते हुए अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले किया, इसलिए पुलिस इनका लिहाज रखते हुए इन्हें इनकी बेटी से मिलने जरूर देगी। बट सर, डोंट वरी, इनको ले जाने और लाने की जिम्मेदारी मेरी है। यस सर। हाँ थैंक यू। मुझे मालूम था आज भी तुम कुछ बहाना करोगे, साल में एक दिन तो बच्ची का जन्मदिन होता है, आज भी तुमको कुछ काम था। सीमा हुसैन साहब। नमस्ते भाभी। सीमा मेरे हाथ से खून हो गया। खून? हाँ सीमा, एक आदमी शानू की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे बचाना चाहा, उसे चीना झपटी में गोली चल गई, उस आदमी का खून हो गया। अब क्या होगा कैलाश, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, कुछ नहीं, ये तो एक कानूनी फॉर्मेलिटी है, अदालत में शानों के बयान देते ही मुझे छोड़ देंगे वो लोग। हाय, मैं सच कह रहा हूं, इंस्पेक्टर से पूछ लो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो हे पगली, डोंट क्राई। पिंकी कहाँ है? ऊपर कमरे में, बेचारे ने केक भी नहीं काटा, रोते रोते सो गए। हाँ बेटे। तुम कहाँ चले गए थे? एक जरूरी काम था। आई एम सॉरी पिंकी, आई एम सॉरी।
पापा ये कौन है? हम आपके अंकल हैं बेटे। देखिए आपने तो हमें बुलाया नहीं, हम खुद ही चले आए। पार्टी का केक नहीं खिलाएंगे? केक तो हमने काटा ही नहीं, पापा तो थे ही नहीं। अब तो पापा आ गए ना, केक काट लीजिए। आपका जन्मदिन तो हो गया है? और हम जल्दी में आए तो तोहफा लाना ही भूल गए, सॉरी उधारा। लेकिन बेटे एक उधार हम आपसे मांगते हैं। क्या अंकल? आपके पापा। देखो बेटे, तुमसे भी छोटी बिल्कुल गुड़िया जैसी और बच्ची है, आज उसका भी जन्मदिन है, लेकिन उसके पापा उसके पास नहीं आ सकते। क्यों? काम करते हैं ना, छुट्टी नहीं मिलती इसलिए। बेचारी बहुत रोती होगी। बहुत रोती बेटी, बहुत रोती है। अगर तुम्हारे पापा वहाँ जाके काम करें ना तो उसे छुट्टी मिल जाएगी, वो अपनी बेटी से मिल सकता है। बेटी सुनो, मैं तुम्हारे पापा को ले जाऊं। पापा आप कभी वापस आएंगे? जल्दी आऊंगा। इंतजार करेंगे, रोना मत। नहीं रो। सीमा, जब तक मैं वापस ना आऊं अपना और पिंकी का ख्याल रखना। भाभी, I'm sorry. लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि आपका बेटा एक मामूली सी नौकरानी की इज्जत लूटने की कोशिश में मारा गया तो एक भी शरीफ आदमी आपको वोट देना पसंद करेगा? मेरी तो दोनों तरफ से हार हो गई कपूर साहब। उधर बेटा खो गया, इधर इलेक्शन। बेटा मारा गया ये तुम्हारा जाती मामला है। We can't afford to lose this election. ये इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा। लेकिन कोई रास्ता तो बताइए। एक रास्ता है, किसी भी कीमत पर बाय हुक और क्रुक वो लड़की अदालत में बयान न देने पाए। ये रही तुम्हारी भतीजी की जबान बंद रखने की कीमत, और उससे कहो कि जब कभी उसे अदालत में बुलाया जाए वो हमारे कहने के मुताबिक बयान देती रहे, समझे? ठीक है मालिक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र मत करो मालिक, जो चाहोगे वैसे ही होगा। इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इसको और इसके पिल्लों को टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों के आगे फेंक दूंगा। मालिक, इस कुत्ते ने आपका बरसों नमक खाया है, और कुत्ता वफादार होता है मालिक। योर ऑनर, सब गवाहों के बयान के बाद अब मैं अदालत के सामने वो गवाह पेश करता हूं जिसका बयान इस मुकदमे में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मिस शानो को अदालत में हाजिर किया जाए। कुमारी शानो हाजिर हो। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के कसम खाती हूं कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस शानो, आप मुलजिम को जानती हैं? जी। कैसे जानती? मैं इनकी दुकान में सफाई का काम करती थी। 22 नवंबर की शाम के 7 बजे जो कत्ल की वारदात हुई उसकी वजह तुम ही थी? जी हाँ। अदालत के सामने पूरा वाकया बयान करो। उस दिन इनकी बेटी का जन्मदिन था
इन्होंने मुझे घर आने की दावत दी थी। शानो, तुम गलत बयान दे रही हो। दावत मैंने नहीं दी थी, तुम खुद आना चाहती थी। ऑर्डर ऑर्डर, बयान जारी रहे। उस शाम में इनका इंतजार कर रही थी, ये आए। मेरे चाचा वर्मा साहब के साथ किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मुझे अकेला देखकर इन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। शानो, मैं घबरा गई और झोपड़े से भाग निकली। फिर क्या हुआ? मैं भागकर वर्मा साहब के घर आई, वहां भी कोई नहीं था। इनके सर पे भूत सवार था, इन्होंने मेरा पीछा किया। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, इन्होंने दरवाजा तोड़ डाला, मेरे कपड़े फाड़ डाले। ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं चीखी, मैं चिल्लाई। इतने में छोटे बाबू जो तभी घर वापस आए थे भाग के अंदर आ गए। दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ। छोटे बाबू ने पिस्तौल निकाली अपने और मेरे बचाव के लिए, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर सकते ये उन पे टूट पड़े और देखते देखते उनका खून कर डाला। नहीं जज साहब, ये झूठ है। ऑर्डर वकील साहब, इन्हें बाहर ले जाइए। मैं कैलाश ऐसा नहीं कर सकता। आइए आप बाहर आइए, प्लीज आप बाहर आइए। आप समझते क्यों नहीं, आप बाहर आइए। आइए प्लीज प्लीज। जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये कोई मिली भगत है, मेरे खिलाफ कोई साजिश है। जज साहब, एक बार मुझे इस लड़की से अकेले में मिलने की इजाजत दी जाए। जज साहब, इसे बहकाया गया है, सिर्फ एक मौका दिया जाए मुझे, उसके बाद अदालत जो चाहे मेरे लिए फैसला कर सकती है। प्लीज जज साहब। अदालत इजाजत नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी कैलाश, तुम दिल छोटा क्यों करते हो? मैं जो हूं ये न समझना मैं औरत जात हूं, कुछ कर नहीं सकती। तुमने इन 6 सालों में मुझ में इतनी हिम्मत भर दी, अब मैं सारी दुनिया का मुकाबला अकेले कर सकती हूं। पहुंच लो आंसू, चलो पहुंचो। आंसू तो वो बहाते हैं जो ना उम्मीद हो जाते हैं, हम तो अभी ना उम्मीद नहीं हुए, सिर्फ वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है। वक्त खत्म हो गया। सीमा, पिंकी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार करना और उसका ख्याल रखना। उसका ख्याल रखना सीमा। अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त पर, पहले मुस्कुराओ और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। मिस शानो और तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मरहूम धीरज कुमार वर्मा ने एक मासूम लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की और उसी कोशिश में मुल्जिम कैलाश ने उसका कत्ल कर दिया। इसलिए अदालत मुल्जिम कैलाश के लिए सदाए मौत तजवीज करती है। मैं इस कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं हूं वकील साहब। ये बात तो ठीक है सीमा जी, लेकिन इसके लिए किसी बड़े वकील के जरिए हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, उन्हें छुड़ा कर लाऊंगी। चाहे उसके लिए मुझे अपना घर बार, मोटर जेवरात, सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े। द वर्डिक्ट ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू मिस्टर कैलाश शर्मा इन द केस नंबर 234 by the Senior Session Court, Srinagar, upheld by the High Court, Jammu and Kashmir, is held valid by the bench of the Supreme Court of India. Mr. Kailash Sharma will be hanged through neck till death. कैसे बेटे?
अभी काम खत्म नहीं हुआ ना, तुम्हारे पापा को छुट्टी नहीं मिल रही, और जैसी छुट्टी मिलेगी ना तुम्हारे पापा फौरन तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन कभी हमें बाहर ही रखोगी, अंदर नहीं लेके जाओगी? आओ अंकल। चलो बेटे। अंकल हमारे पापा हमको याद करते हैं कि नहीं? अरे बेटा बहुत याद करते हैं, 24 घंटा तुम्हीं को तो याद करते रहते हैं। फिर हमें चिट्ठी करने भेजते हैं? चिट्ठी? बेटे वो चिट्ठी उन्होंने भेजी थी, मेरे पास थी। ये तुम्हारे पापा की चिट्ठी है, पढ़ के सुनाओ। हाँ। देखो, मेरी लाडो चांस भी प्यारी बेटी पिंकी, बेटी यहाँ काम बहुत ज्यादा है, मुझे आने की फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा मैं उड़कर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगा। बेटे तेरे बगैर तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता मुझको, बस हर वक्त दिन गिनता रहता हूं, पर बेटे वादा करता हूं कि अगर अब क्या आया तो कभी लौट के नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास ही रहूंगा 24 घंटे। और बेटे जब तक मैं नहीं आता तुम स्कूल बराबर जाते रहना, कभी रोना मत, मम्मी का कहना मानना, उन्हें रोने मत देना, उनका ख्याल रखना। तुम्हारा पापा। पिंकी जानती है उसे बताना भी नहीं है, क्या क्या सोचा था मैंने, कैसे कैसे सपने बुने थे, तब तीर ने एक झटका दिया, सारे सपने टूट गए, अरमान पूरे होने से पहले ही खत्म हो गए। दो दिन बाकी हैं, तुम उससे पहले यह शहर छोड़कर कहीं और चली जाना। हां सीमा, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, दूर, बहुत दूर सीमा, ताकि मेरी पिंकी को पता ना चल सके कि उसके बाप को कानून ने इस तरह। जो मैं उसके लिए ना कर सका वो तुम करना सीमा, उसे इतना प्यार देना कि उसके जहन से उसके बाप की मोहब्बत, नाम, सूरत सब मिट जाए। जानती हो सीमा, मेरी मां ने एक बार कहा था, वक्त पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया सीमा, ये मुलाकात भी मेरी जिंदगी की तरह चंद लम्हों की है। ओ, सीमा
जिंदगी का अभी बहुत लंबा सफर बाकी था ना, और मैं हाथ छुड़ाकर भाग रहा हूं तुम लोगों से। मैं क्या करूं सीमा, मैं मजबूर कर दिया गया हूं, मुझे माफ करना सीमा। लेकिन सीमा मुझ पर यह उधार रहा, शायद किसी अगले जन्म में देखिए 27 जनवरी की सुबह आपके पति की लाश आपके हवाले कर दी जाएगी। ये क्या है? ये मेरी सुहाग की चूड़ियां है, आप इन्हें बेचकर उनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सुनिए, अरे देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते, सुनिए तो सही। तुम ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाना। सीमा तुम्हें मेरे प्यार की कसम, हां सीमा तुम पिंकी को लेकर कहीं और चली जाना, तुम पिंकी को लेकर कहीं और चली जाना, तुम ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाना।
किसी का वास्ते बोलता उस्ताद, आहिस्ता चलाओ। देखा ना मर्डर कर डाला। Oh, sweet thing, poor thing. In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, Amen. आओ कबूतर। कहाँ है मेरी मुर्गियाँ? ये रही। क्यों बे मुर्गी से? आंखों पर इतनी चर्बी चढ़ गई कि मेरी ही मुर्गियों पर गाड़ी चढ़ा दी। देखो जग्गो, ये बस्ती है कोई पोल्ट्री फार्म नहीं। यहाँ आदमियों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती और तूने मुर्गियां पाल रखी है। साले देख जग्गू दादा, देख आप उनको फालतू आदमी नहीं है, समझा? आप उनको भी चार आदमी लोग सलाम मारता है। आज तुम मारेगा, कल को कोई चार आदमी मारेगा तो अरे देख, आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा गड़बड़ की मार के थोबड़ा फोड़ दूंगा। उस्ताद क्या हाल है? ठीक हुआ है, लेकिन माल सारा ले गया वो। सारा वो तो चोर है, चोर है। तेरा क्या हाल है? आप उनका बॉडी तो गोदरेज का बनेला है। तो ए भाई, सुबह ही सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है? आगे चल। चिल्लाता कहीं कोई सेठ, धंधा करता है। अरे धंधा करना है तो करना, जगह क्यों फाड़ रही है? भाजी वाली का है भाई? उस सीढ़ी से ऊपर आना। तो नहीं टोनी, कौन है? कौन है? टोनी के बच्चे। यस यस उस्ताद, कमिंग। अरे उस्ताद, सवेरे सवेरे काको बुमड़ी मारता है। अबे ये सामने वाले घर में कौन रहना है? अभी तक सो रहा है। आप उनके एग्जॉस्ट काको बंद कर डाला। ये सामने वाले घर में कौन रहने आया? सामने नहीं उस्ताद, उधर मत देखो, उधर एक बुढ़िया रहता, आप उन पे लाइन मारते हैं। वो ये देख, तुझे वो बुढ़िया नजर आती है? अरे पिंकी, कितनी बार कहा है मत खड़ी रहो, चल सुबह देर होगी, चलो। उस्ताद, सामने तो एक बुढ़िया रहता था, ये गुड़िया कहां से हो गया? बेटे घंटी बज गई। अच्छा मम्मी, शाम को जल्दी आना। बाय बाय बाय। Yeah.
भी आएंगे। सो जा बेटे, रात बहुत हो चुकी। बोलो ना मम्मी, पापा कभी आएंगे? देखो पिंकी, जिद करोगी तो पापा कभी नहीं आएंगे। याद है पापा ने चिट्ठी में क्या लिखा था? मम्मी को कभी तंग नहीं करना, हमेशा मम्मी का कहना माना, है ना? मुझे नहीं याद थी मम्मी, वो पापा वाले लॉज सुना ना मम्मी। बड़ी दुखी मालूम होते यार, तू उसको सुखी बना डालो। सुखी बना डालो कैसे यार? ऐसे वो तुमको अच्छा लगता है ना? हाँ बस रजिस्टर कर डालो गाड़ी। क्या शादी कर डालो? हाँ शादी कर डालो, न जान न पहचान, मैं उसके पास जाकर कहूँ तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझसे शादी कर लो, बाप का माल है क्या? अरे उस्ताद, बाप का माल होएगा तो शादी कैसे करेगा? तू का कहना कसम मना ले। मैंने आगे
आंगे आंगे ते अमुन शनवर जी कहलता नहीं चाचा को फांदा फरना न्यूयॉर्क स्टोरी मंड लेने की था ते हाँ शेरने को बस में करने के लिए उसका बच्चे को प्यार करो हाँ उसका बच्चे से प्यार करो वो ऑटोमेटिक गियर में आ जाएगा कौन शेरनी हाँ आप उनको देखो ना आप उन मेरी से प्यार किया तो शेरनी क्या बोलता है मैन नहीं अच्छा बेटे ध्यान से जाना स्कूल ओके मम्मी बाय तुझी मला थोड़ी थोड़ी देरे मजा करना तगड़ा उस्ताद उस्ताद उधर में देखो वाकई बड़ी प्यारी बच्ची है धत तेरी की वो तो आप उनको भी मालूम है बड़ा प्यारा बच्ची है अकेला है स्कूल को जा रहा है चांस है फ्रेंडशिप फ्रेंड वो शेरनी वाली बात कम ऑन उस्ताद बेस्ट ऑफ लक उस्ताद बेस्ट ऑफ लक बेटी कहाँ जा रही हो स्कूल अकेली जा रही हो मेरी मम्मी को बुखार है मैं तुम्हें स्कूल छोड़ा हूँ मेरे साथ चलो हाँ देखो टोनी जब तक इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती बेबी को रोज स्कूल छोड़ने का और स्कूल से ले आने का बरोबर उस्ताद तुम अपुन के साथ स्कूल चलेगा ना अपुन कौन अपुन अपुन आपका नाम अपुन है अपुन का नाम टोनी है बोलो अभी अपुन के साथ स्कूल चलेगा आप कितना रंग बोल रहे हो ऐसा बोलो मेरे साथ स्कूल चलोगी ए उस्ताद तुम ही संभालो अपुन को तो चक्कर आने को चालू हो गया है चक्कर आने को चालू हो गया नहीं चक्कर आने को शुरू हो गया बेटी तुम रोज हमारी गाड़ी में आओगी ना हाँ, हम आपके गाड़ी में रोज आएंगे पर आपके गाड़ी में बहुत गंदी बास आती है ये लो खुला आ गया तुम्हारा ओके अंकल संभाल के उतरो ये बाय बाय ए दादा आप उनका ग्रैंडमदर भी एक स्कूल में पढ़े लाए टायर आप उन्हें धोना रोटी आपूनज बनाना लड़की के साथ आपूनज बात सिखाना चला जाता चल बे टोनी जल्दी कर छोकरी को लाने का टाइम हो गया जल्दी करने नई वाली टी शर्ट बहुत अच्छी है पिंकी शी लव्स मी वो आ गया उधर देख हाँ अंकल आप हाँ बेटी हम यहाँ से गुजर रहे थे सोचा तुम्हें साथ ले चले अंकल आप कितने अच्छे हो अरे वाह आपकी गाड़ी तो बहुत साफ लग रही है मैं तो हाँ बेटी मैंने इसे अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ किया केटो ने हाँ उस्ताद ही साफ किए ला तू इसे संभाल मैं गाड़ी चला अच्छा अच्छा आओ आओ चलो बैठ जाओ देखो अभी अंकल गाड़ी चलाएंगा अपन जल्दी से घर को जाएंगा ये लो आ गया घर आ जा बेटी आ अंकल आप भी चलिए ना कहाँ ऊपर हमारे घर नहीं बेटी तुम्हारी मम्मी है ना वो गुस्सा करेगी तुम जाओ हाँ अरे हाँ एक मिनट उस्ताद हाँ ये लो थैंक यू अंकल चलो हमको पप्पी दे दो असिस्टेंट अंकल को शाबाश बड़ी प्यारी बच्ची है मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो खोलो ना
क्यों रे, बड़ी खुश नजर आ रही है आज। ये देखो मम्मी। किसने दी? अंकल ने। कौन से अंकल? मोटर वाले। मोटर वाले जो सामने रहते हैं। और मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं, हमें स्कूल में लेने आए छोड़ने आए। मम्मी, हमने अंकल को बोला ऊपर आओ, अंकल ने बोला तुम गुस्सा करोगी, तुम गुस्सा करोगी मम्मी। नहीं बेटे। हम अंकल को बुलाए। अंकल, अंकल, ओ मर वाले अंकल, बाहर आओ ना। क्या है बेटी? अंकल, हमारी मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, आप कल हमारे घर पे खाना खाने को आना। आऊंगा बेटी। प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। जरूर आना। क्यों उस्ताद, अपन का आइडिया काम में आया है कि नहीं है? लेकिन टोनी, पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। डर? व्हाट डर मैन? गाड़ी स्टार्ट करने का टाइम आया तो गियर भूल गया। लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की यार। अरे तो लव में बात करने का जरूरत क्या है? आप उनको देखो, आपुन हजून तलक जिंदगी में 8 टाइम लव किए लाए। पहला टाइम आपुन 8 साल का था, लड़की 28 साल का था। लड़की को तिकड़म करने को गया, आपुन का बाप आया लड़की को लेके चला गया। दूसरा टाइम आपुन 18 साल का था, लड़की 14 साल का था। आपुन को तिकड़म करने को गया, लड़की का माँ आया आपुन को लेके चला गया। तीसरा टाइम आपुन अबे चुब्बे खाएगा एक, यहां मेरी हालत खराब है और तू अपनी फेंके जा रहा है। ये बताओ मैं वहां जाकर बोलूंगा क्या, करूंगा क्या, मैं पहनूंगा क्या? जी वो किन्ने बुलाया था? ये लो तुम्हारे। थैंक यू अंकल। अंकल ये हमारी मम्मी है और मम्मी ये हमारे मोटर वाले अंकल है। नमस्ते। नमस्ते। मैं खाना तैयार करती हूँ। अंकल आप तो झूठ लग रहे हो। दी तो झूठ क्या होता है? ओफ ओफ आप सच रहे हो। अंकल आप रोज ऐसे कपड़े पहना करो, आप बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा? हाँ, मेरे पापा भी ऐसे कपड़े पहनते थे, बिल्कुल आप जैसे। अच्छी बात, अब हम रोज ऐसे ही कपड़े पहना करेंगे और अपनी बिटिया को भी एक से एक अच्छे कपड़े दिलाएंगे और लोगों से कहेंगे पिंकी हमारी बिटिया है और हम उसके अंकल हैं। क्यों? अंकल एक बार फिर ऐसे। अंकल एक बार फिर ऐसे। अंकल एक बार फिर। बाबा बड़ा मजा है बाबा, अंकल इतना बड़ा साइकिल चलाते हैं। अरे वो क्या है? वो वाह,
बाजा तो बहुत अच्छा है। अंकल ये बाजा नहीं है, पियानो है। आपको बजाना आता है? अरे कहाँ बेटी, हम मजदूर तो बोझ उठाना जानते हैं, ये सब हमारे बस की बात नहीं। हमारे पापा तो बहुत अच्छे बजाते हैं। अच्छा हाँ। तो ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी सीख लेंगे। तुम्हें आता है? हाँ अंकल, पर हमारे मम्मी को बहुत अच्छा आता है। मम्मी इधर आ। मम्मी आप बहुत अच्छे पियानो बजाते हैं ना? बजाती थी बेटे। आपको भी पियानो पसंद है? इधर इधर रखो। ये किसका कॉफिन ले आया तुम? अरे बुद्धू, कॉफिन नहीं है ये, पियानो है पियानो। अरे उस्ताद, ये टिंग टिंग का कितना माल खटा है? पूरे 2000। अरे उस्ताद, आप उनको 2000 रुपया देता ना, 20 बाटली अंग्रेजी का ले आता। तुझको देता? नहीं देता। तो क्या हुआ, तुम हमारी बिटिया हो, तुम हमें सिखा देना। सिखाओगी ना? हाँ अंकल। प्रॉमिस। ये जहाजों को रास्ता दिखाता है। और जहाज है अंकल। हाँ। और वो क्या है अंकल? वो क्रेन है बेटी। क्रेन? हाँ, ये है ना, जहाजों से भारी सामान उतारता है और फिर दूर घुमाकर उस तरफ डॉक्स में रखता है। हाँ। 4 कलाक हो गए ला, उस्ताद अभी तक क्रेन ही घुमा रहे ला। मर गए। ले 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 ले, ला उस्ताद हमको दे दो। हेलो हेलो, तुम थक गए होगा ना उस्ताद। चलो चलो चलो, आप उधर बैठते हैं, चलो चलो। अच्छा देखो, उसको बोलता है? बोलता नहीं है, कहता है। तुम फिर चालू हो गया शिवा जी। एक बात कहनी थी आपको। शिवाजी, मैं कह रहा था, मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ आपसे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, आजकल राशन में चावल बहुत मिलने लगे हैं और आप लोग तो चावल खाते नहीं है। आपको चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा। कुछ नहीं होएगा तुमसे, बिल्कुल यूज़लेस आदमी है। तुमको वापस सिखा के भेजेंगे ना, तो उधर जाके कांदा बटाने का बात करके आएगा। नहीं होएगा, तुम्हारा शादी नहीं होएगा। तुम आखा जिंदगी सिर्फ पियानो बजाएगा, उधर वो बुड्ढी हो जाएगा और हम तुम्हारा चपाती बनाते बनाते चपाता बन जाएगा। अरे तू तो नहीं समझता नहीं है, ये दिल की बात है, दिल की नहीं है। कैसे बोलूं उसको यार? देख बॉस,
अब उन तेरे को बताता है। मैंने दो नौटा और देख बॉस, तेरे को सलीम और अनार केला का स्टोरी मालूम है कि नहीं? अनार केला और सलीम, अनार केला सलीम के लिए कुतुब मीनार से कूदा था कि नहीं? कूदी थी। हाँ कूदी थी। हाँ, कूदी थी कि नहीं? ये मैंने अनार करी से पूछ। देख परसों के दिन मैं तेरे लिए साइकिल पे से गिरा था कि नहीं? हाँ? है? देख बॉस, अपन लाइफ में अर्जुन तलाक 9 times लव किया है। पहला टाइम अपन 8 साल का था, लड़की 18 साल का। यार तो फिर शुरू हो गया। लड़का 18 साल का था, लड़की 8 साल। नहीं, रॉन्ग बोल रहे ले तू। लड़का 8 साल का था। मैं अरे दोनों जानू में गया, नहीं सुनूंगा, बहुत हो गया, बंद कर। तौबा तौबा प्यार में ये हो गई खराबी। तौबा तौबा प्यार में ये हो गई खराबी। अच्छा भला आदमी बन गया शराबी। समझे? अरे हट। मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है, मगर मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है, मगर सीने में जिसको छुपा के वो बात दिल की होठों पे आके। रखा हसीने में जिसको छुपा के वो बात दिल की होठों पे आके। एक दास्तां बन गई तू ओ मेरी मुश्किल आसान हो गई। अच्छा ए, मैं जो चला पी कर है, मगर बैठी कहाँ है तू अनजान बन के, ओ बेखबर तू मेरी जान बन के। ओ, कौन है वो? अरे बैठी कहाँ है तू अनजान बनके, ओ बेखबर तू मेरी जान बनके। जाने जहां बन गई ओ मेरी मुश्किल आसान हो गई। ए, मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है, मगर खामोशी जुबां हो गई ए मेरी मुश्किल आसान हो गई। हर मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है, मगर ए मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है, मगर हर मैं जो चला शराब पी कर आए हैं? आप चले जाइए यहां से। आपको मैंने एक शरीफ आदमी समझा था, इसीलिए पिंकी से मिलने जुलने की छूट दी थी। लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं
देखिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आज के बाद आप ना यहाँ आएंगे और ना पिंकी से मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ मन में कोई खोट लेके नहीं आया हूँ। जी नहीं, आप तो शराफत का लेबल अपने माथे पर लगा कर आए हैं, जिसकी खुशबू आपके मुंह से भी आ रही है। चले जाइए यहाँ से। लेकिन जाने से पहले एक बात मैंने सुन ली है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाइए यहाँ से। गेट आउट। अबे आप फिर कभी नहीं आओ। मम्मी, आज भी अंकल नहीं आए। चलो बेटी घर चले, चलो। देख उस्ताद, तुम आखा दिन स्कूल का गेट के बाहर बैठा रहता, अभी इधर बैठ के झक मारता, उधर कस्टमर लोग वो मारता, ये कैसा चलेगा? तू जा टोनी, मेरा दिमाग मत खा। काय को नहीं खाएगा? सर तुम वो दो टके का छोकरी के लिए माफ कर दे यार, आजकल सलाह अपने दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। जिंदगी में पहली बार प्यार, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। मम्मी, अंकल क्यों नहीं आते? तुम अंकल से नाराज हो? बोलो ना मम्मी, बताओ ना। सोचो पिंकी, सोचो। नहीं, हम कल अंकल को बुला के लाएंगे, ठीक है? कैसी पिंकी, क्या हुआ पिंकी को? Thank you.
कहीं नहीं बेटी, बस यूं ही जरा मत जाना, यहाँ ही बैठो। पापा आएंगे तो आप जाना। अच्छा बेटी, मैं यही रहूंगा, अब तुम सो जाओ। नहीं, हम नहीं सोएंगे, हम सो जाएंगे तो आप चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। सुनिए, अगर पिंकी जाग गई और उसने आपके बारे में पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूं? अगर रात भर मैं यहां रहा और सुबह लोगों ने आपसे पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? पिंकी की खुशी के लिए सारी दुनिया को जवाब दे सकती हूं। रतन बाबू, ये सच है, आपसे शादी करके पिंकी को बाप मिल जाएगा और मुझे एक सहारा। लेकिन प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद जो होता है उसे प्यार नहीं, समझौता कहते हैं। सीमा जी, इस संसार में समझौता करना ही मुश्किल है, प्यार तो सभी कर लेते हैं, और जो समझौता कर लेते हैं प्यार खुद ब खुद उनके दिल में घर कर लेता है। आज से तुम्हारी उम्र कैद की मुद्दत खत्म हुई, तुम आजाद हो। तुमने जो 14 साल जेल में काम किया उसके ये पैसे हैं। और हां, ये लो तुम्हारी अमानत। तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारी बीवी अपने सुहाग की चूड़ियां छोड़ गई थी, उसे उसका सुहाग लौटा देना। भगवान करे तुम्हारी बीवी और बच्ची तुम्हें जल्दी मिल जाए। पिंकी, ओ पिंकी। ओ, आप बहुत शोर मचाते हैं। देख, तू फैशन में इतनी देर मत लगाया कर, तेरी माँ मुझ पे भड़कती है। भड़कती नहीं, बिगड़ती है। अच्छा बाबा, बिगड़ती है, साथ साथ कहती है मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ा। ठीक ही तो कहती है अंकल। 14 साल हो गए लेकिन तुम्हारा ये अंकल अभी तक नहीं आया, कभी तो पापा कहकर बुलाया कर बेटी। अब चलो बिना।
आहा, आज तैयारी को जरूरत से ज्यादा मालूम हो रही है क्या? हाँ, चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं अंकल, आजकल कंपटीशन का जमाना है और हम किसी से कम क्यों रहे? अंकल कैसी लग रही हूँ मैं आज? फैंटास्टिक। थैंक यू अंकल। अरे अगर तेरी माँ गुस्सा न करे तो मैं तुझे ऐसे ऐसे कपड़े बनवा के दूं कि बड़ी बड़ी राजकुमारियों की छुट्टी हो जाए। हो गए। हाँ हाँ, तो पिंकी मैं क्या कह रहा था, हाँ फैशन सजावट ये सब मोह है। इंसान को चाहिए अपने मन को मोह से दूर रखे और उसे पढ़ाई में लगाए, क्योंकि फैशन से शरीर सुंदर बनता है लेकिन पढ़ाई से आत्मा सुंदर बनती है, और आत्मा वो चीज है जो इंसान को किससे मिलाती है? परमात्मा से। हाँ परमात्मा से। थैंक यू। लगता है साला, यू मस्ट बी जोकिंग। थैंक यू। बातें कर रही हो तुम? चलो अंदर। सॉरी मम्मी। आपने पिंकी को बहुत सर पर चढ़ा रखा है, उसे इतनी आजादी मत दीजिए कि वो इस किस्म की बातें करने लग जाए। एक बात मुझे बताओ सीमा, आज तक तुमने मुझे अपने दिल की बात कभी नहीं कही, और अगर पिंकी मुझे अपना समझकर अपने दिल की बात मुझसे कहती है तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी, ज्यादा आजादी बच्चों को अक्सर बिगाड़ दिया करती है। Ah!
तब से है जाने ला 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 लगे दिल की लगी हुई तब से है जाने ला 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 जब से लगा कहीं पे दिल तब से है जाने या 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 की बड़ी हो गई है। अब हमें विक्रम के मां बाप से बात करनी चाहिए। आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? अपनी हालत पे हंसी आ रही है। आज 14 साल में पहली बार तुमने मुझे किसी काबिल समझा और अपने दिल की बात मुझसे कही। तो और किससे कहूं? वो तो है नहीं। वो आज तक तुम्हारे दिल से मैं वो का शब्द मिटा नहीं सका। कृपया ध्यान दीजिए, बंबई जाने वाली फोर अप फ्रंटियर मेल प्लेटफॉर्म नंबर खुदा का लाख लाख शुक्र है, कम से कम इतना तो पता था। प्लेटफॉर्म नंबर एक मेरा दिल कहता है तुम्हें जरूर मिल जाएगी। मैंने कर्नल साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ लिख दिया, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और वो चलो भाई तुम्हारी गाड़ी चलते हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट। पहुंचते खत लिखना मुझको है। जी हां। और अपनी खैरियत की खबर भेजते रहना मुझको। देखो वक्त मिला तो मैं भी बंबई आऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। मिस्टर कैलाश। कर्नल साहब, इतने सारे लोगों में आपने मुझे पहचान कैसे लिया? हम सिपाही हैं, दुश्मन को पहचान लेते हैं। तुम तो फिर भी दोस्त हो। इतनी जल्दी दोस्त भी बना लिया आपने? जिसमें देर लगे वो दोस्त ही क्या। चलो मगर ये फांसी की सजा उम्र कैद में कैसे तब्दील हो गई? सुना है बेगुनाह के आंसू बेकार नहीं जाते कर्नल साहब। शानो की आत्मा ज्यादा देर झूठ को बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने हुसैन साहब को एक खत लिखकर सच कबूल कर लिया। उसी खत की बिना पर हुसैन साहब ने पैम की अपील की जो मंजूर हो गई, लेकिन फिर भी सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि शानो गवाही के लिए खुद मौजूद न थी। नेवर माइंड माय बॉय, जिस तरह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिल गई उसी तरह एक दिन तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे भी मिल जाएंगे। यहाँ के पुलिस कमिश्नर मेरे दोस्त हैं, शायद वो कुछ मदद कर सकें। मैं उन्हें फोन कर दूंगा, तुम उनसे मिल लेना जाके। कर्नल साहब का टेलीफोन आया था, मैं फाइलें वगैरह दिखा लूंगा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। पुलिस या तो अपराधियों की खबर रखती है और या फिर ऐसे लोगों की जो अचानक किसी हादसे का शिकार हो गए हों। फिर भी मैं कोशिश करूंगा और अगर कुछ पता चला तो आई लेट यू नो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, मैंने आपके अखबार में एक इश्तहार दिया था, उसका कोई जवाब है? आपका नाम? कैलाश। सॉरी, नो रिप्लाई।
आइए, मैंने शहर के सभी डाकखानों से मालूम करवा लिया है, लेकिन मिसेस सीमा कैलाश के एड्रेस का कहीं पता नहीं चला। लगता है मेरी जिंदगी भी इन लहरों की तरह हमेशा किनारा ढूंढती रहेगी। शायद तुम्हें मैं अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। सीमा, पिंकी, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जरा प्लीज। ओह श्योर। अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं... नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे सामने ही जाना है क्लब। ओके, बाय बाय। बाय बाय। कुछ खबर मिली? एनी न्यूज? लगता है शायद कभी नहीं मिलेगी। उनसे जिंदगी में कभी नहीं मिल सकूंगा। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? हाँ कनु, मैं वाकई हिम्मत हार गया हूं, थक गया हूं। मायूसी की बातें करना खुदकुशी से बड़ा जुर्म है। मैं इधर बढ़ो सिपाही की तरह, तलाश जारी रखो। कीमती चीजें बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं। कंकड़ पत्थर बहुत मिलते हैं, बहुत। बी ए ब्रेव मैन, तैयार हो जाओ, तुम्हारे शो का वक्त हो गया। And now, ladies and gentlemen, we proudly present your star for the evening.
बचाए इस धुन को। कमाल है यार, 14 साल में ले दे के यही तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे होते हुए मत बजाओ। क्या तुम यही चाहते हो, मैं अपनी पुरानी यादों में उलझी रहूं? पहले आपको कहीं देखा है? हाँ, यस यस, उस रात मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो आप ही ने धक्का दिया था, है ना? हाँ हाँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? यहाँ पियानो कौन बजा रहा था? मैं। मगर आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। पापा की निशानी है, वही बचाया करते थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? पिंकी। पिंकी? तुम्हारी माँ? सीमा। सोशल वर्क करती हैं, अभी 5 बजे आ जाएंगे। मैं 1 मिनट ला रही हूँ। हेलो। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाय विकी, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। I'm fine, thank you. सुनो, आज शाम को उठा सब, ठीक है? हेलो, रात हो गई। हाँ हाँ, देखो मैं। बोलना। देखो विक्रम, तुम बाद में फोन करना। हेलो। अच्छा। हेलो, बाद में क्या? आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। सच? ये तस्वीर किसकी है? पिंकी के पापा की। मेरा नाम रतन है। क्यों भाई, कहाँ खो गए? लगता है मुझसे मिलकर तुमको खुशी नहीं हुई। जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कर्नल के क्लब में पियानो बजाते हो। ए पिंकी, लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई। हाँ, 5 बज गए हैं, मम्मी ही होंगी। क्या हुआ इसको? क्या कर रही हो? लाइटर निकाल रही हूँ। लाइटर उधर नहीं है। क्या हो रहा है? मम्मी, आज एक अजीब बात हुई। मैं पियानो बजा रही थी, आवाज सुनकर एक आदमी आया, मेरा नाम पूछा, आपका नाम पूछा, पियानो बजाया और चला गया। अरे अजीब नहीं है, वो कलाकार है, बहुत अच्छी पियानो बजाता है।
तुम्हें एक मास्टर की जरूरत थी ना? हाँ, उसी को रख लो, कम से कम मेरी तरह पियानो तो नहीं तोड़ेगा वो। कैलाश, ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? What happened, my boy? कर्नल, तुमने हमेशा मुझे एक सिपाही की तरह बहादुर बनने का सबक दिया था ना? मैंने भी एक सिपाही की तरह 14 साल जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन आज आज मैं वो जंग हार गया। हार गए? मतलब? मतलब मेरे बीवी बच्चे मुझे मिल गए, लेकिन मैंने उन्हें फिर खो दिया। क्या वो? इसी शहर में, लेकिन मैं उनके लिए मर चुका हूं। उनके दिल से कैलाश का नाम मिट चुका है, वो किसी और के हो चुके हैं। जाने तकदीर ने मुझसे कितने मजाक और कर लेते हैं। फांसी के तख्ते पर पहुंचा तो पता चला हुसैन साहब की रहम की अपील मंजूर कर ली गई, सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई। मैं खुश हो भी ना पाया था कि तकदीर ने दूसरा मजाक किया। पता चला सीमा पिंकी को लेकर शहर से चली गई, और तब से 14 साल 14 जन्म की तरह मैंने जेल में बिताया है, सिर्फ इसी इंतजार में कि कभी तो वो दिन आएगा, सजा की मियाद खत्म होगी, मुझे रिहा कर दिया जाएगा, मैं अपने बीवी बच्चे को ढूंढूंगा, उन्हें अपने सीने से चिपटा कर रोऊंगा और रो रो कर कहूंगा, देखो देखो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन लेकिन कर्नल, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा। काश काश उस रोज कानून ने मुझे रियायत ना दी होती, काश मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दिया होता। कर्नल, तुम्हारे बड़े एहसान है मुझ पर, बहुत मदद की है तुमने, लेकिन अब और यहां नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कहां जाओगे? कहीं भी, अब यहां क्या रखा, सब कुछ तो खत्म हो गया। खत्म कहां हुआ है, अभी तो शुरू है तुम्हारे प्यार का इम्तिहान। पाकर तो सभी प्यार कर लेते हैं, मजा तो जब है खोकर भी प्यार करते रहो। लेकिन कल मैं क्या करूं? प्यार करो, उनकी खुशियां देखो और अपने गमों को भूल जाओ। That's life, my boy. सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
कभी हम तुम भी मिलते थे पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती घटाए मेहरबानी से के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी गाना गाया है तुमने तो हमारी छुट्टी कर दी जी शुक्रिया तुम्हें एक तकलीफ देने आया जी वो हमारी बिटिया है ना पिंकी उसका एक शो होने वाला है उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए वैसे पियानो तो वो बजा लेती है लेकिन शो के लिए तुम उसे तैयार कर दो सॉरी ये मुझसे नहीं हो सकेगा कमाल है यार हम इतनी आस लेके आए हैं और तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो नहीं ये बात नहीं है दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है आई एम सॉरी आपकी बेटी अगर आपसे कहती तो आप इनकार कर देते ये समझ लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ मान जाइए ना बाबा प्लीज अच्छी बात ये बात हुई ना थैंक यू तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया आप बड़े तकदीर वाले आपके दिल का बोझ तो हल्का हो गया कुछ ऐसे भी दिल होते हैं जिनका बोझ कभी हल्का नहीं होता वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाता है कुछ दुखी मालूम होते सुख बड़ा बेवफा होता है रतन साहब ज्यादा दिन साथ नहीं देता अरे यार तुम तो अपने ही टाइप के आदमी हो जमेगी दोनों की खूब जमेगी अच्छा कल आ रहे हो जी पिंकी घर में है पियानो मास्टर हाँ आइए आइए बेबी अभी कॉलेज से आई है आप बैठिए मैं अभी बुला के लाता हूं हेलो बाबा हेलो कैसे बैठे अच्छी हूँ आप कैसे हैं मैं भी अच्छा हूँ कहाँ से शुरू करें यहाँ से ओके okay.
पिंकी, इट वाज सुपर्ब, वाह, कैसा लगा? बात है, इट वाज ब्यूटीफुल, वेल डन पिंकी, थैंक यू, कैसा लगा? आह बेटी एकदम फर्स्ट क्लास, सीमा, देखा मेरी पिंकी बिटिया को, हाँ? क्यों भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन। आप ऐसा बोलो ना। आंटी नहीं आई? वाजा महके गई है। फिर झगड़ा हुआ। मुबारक भाभी, आज आपकी लड़की ने बहुत अच्छा बजा। अच्छा भाभी को मुबारकबादी दे रहे हो? इधर बाप खड़ा है, उसको कुछ नहीं। तो अबे जहां इसका बाप इस लायक है ही कहां। क्या बात है मम्मी, आप तो रो रही हैं। आज लोगों के मुंह से तेरी तारीफ सुनकर तेरे पापा की याद आ गई। वो तुझे एक बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे, आज उनका सपना पूरा हो गया। वो हमेशा तेरे बारे में सोचा करते थे, अगर आज वो होते तो खुशी से पागल हो जाते, सारे शहर में दिवाली होती। आज भी उसी की बात है। ए मास्टर, रुक क्यों गए? बजाओ, खूब बजाओ आज। रतन साहब, आप कुछ ज्यादा हो गई है। हो जा रहे थे यार, क्या फर्क पड़ता है? जो चाह वो ना हुआ, जो ना चाह वो था। इसे भी हो जा रहे तो क्यों जा रहे? ठीक है ना? चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। घर? कौन सा घर? चार दीवारों और एक छत को तुम घर कहते? कालीन, फर्नीचर और सजावट के सिवा वहां रखा गया है। क्यों? आपके बीवी बच्चे? बीवी? आग के चारों तरफ सात फेरे लगा के मैंने उसे अपनी बीवी को बना लिया, लेकिन मैं 14 साल से उस आग को ढूंढ रहा हूं जिसके चारों तरफ फेरे लगा के मैं उसके दिल को अपना सकूं। 14 बरस मास्टर, 14 बरस जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैंने दिन रात एक करके दुनिया भर की खुशियां उनके कदमों में डाल दी, वरना मुझे ऐसा जाट आदमी क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 1 जोड़ी कपड़ा, बस काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उन दोनों के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? कोई तकलीफ तो नहीं? किसी बात का दुख तो नहीं तुम्हें? यही कहते कहते सारी जिंदगी गुजार दी मैंने, लेकिन आज तक किसी ने झूठे मुंह से ये नहीं कहा। रतन, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी खुशी क्या है? अब तक उसके दिल में उसके पहले पति की याद है, आज तक वो उसे भूल नहीं पाई। मास्टर, उस आदमी के साथ उसने जिंदगी के सिर्फ 6 साल गुजारे, सिर्फ 6 साल, और मेरे साथ 14 साल, लेकिन वो इंसान मरकर भी आज तक एक दीवार की तरह हम दोनों के बीच में खड़ा है, एक दीवार की तरह। मास्टर, पिंकी है ना? पिंकी वो मेरी बेटी है, लेकिन आज तक उसने कभी मुझे पापा कहकर नहीं बुलाया। मेरे कान पापा सुनने के लिए तरस गए हैं, ये शब्द सुनने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन इस जान की कीमत क्या है? किसी को परवाह नहीं।
किसी को परवाह नहीं है। साल में भी मेरा प्यार तेरे दिल में घर नहीं। 14 साल सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं और कल की मुबारकबाद भी दे दूं। बाबा ये सब आपकी वजह से तो हुआ है, लेकिन आप कल शो के बाद कहाँ चले गए थे? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। वो बस यूं ही ऐसे ही। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटे, मैं अब चलता हूँ। नहीं, आप मम्मी को मिले बगैर नहीं जाते। नहीं, मम्मी आ गई। हेलो मम्मी। हेलो। जानती हो आज कौन आया है? मेरे बाबा आए हैं। आप हमेशा कहती थी ना कि उनसे मिलना है। अरे पहले क्या कर रहे हो मम्मा? बाबा ये है मेरी मम्मी। मैंने कहा था ना बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। अरे ये बाबा कहाँ चले गए? बाबा 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 पता नहीं कहाँ चले गए। वेरी फनी, शायद तुम्हारे बाबा मुझसे मिलना नहीं चाहते। मामी, ये टोपी किसकी है? बाबा की। बाबा की? कौन है ये बाबा? नहीं, उनके नहीं हो सकते। किसकी नहीं हो सकती? हाँ? क्या हुआ मामी? कहाँ रहते वो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। यस, आपके यहाँ जो पियानो बजाते हैं वो तो चले गए। चले गए? आपको उनसे कुछ काम था? ये टोपी उन्हीं की है? जी हाँ, ये उनके एक दोस्त की निशानी है जिसे कुछ साल पहले फांसी हो गई थी। वो आएंगे तो मैं हाँ? आज मुझे एहसास हुआ कि हथियारों की जंग जिंदगी और आंसुओं की जंग के सामने कुछ भी नहीं। इट्स रियली नथिंग। वहां इंसान सिर्फ एक बार मरता है और यहां बार बार मरता है, फिर भी उसे मौत नहीं आती। कल तक मैं तुम्हें जाने से रोकता था ना, आज मैं ही तुमसे कहता हूं चले जाओ। Go away from here.
सेन साहब। 7 रुपए? हाँ साहब। ये लो। भाई साहब। भाभी, नमस्ते। I'm so happy to see you after such a long time. पिंकी कैसी है? अच्छी है। अब तो माशाल्लाह खूब बड़ी हो गई होगी। जी हाँ, चलिए हमारे घर चले। हाँ घर ही चलूंगा, लेकिन एक बड़ी शिकायत है आप लोगों से। क्या? स्टेशन पे कोई लेने आया नहीं, मैंने तारू भेजा था आप लोगों को। तार? नहीं? हाँ? नहीं। क्यों? कैलाश ने बताया नहीं? कैलाश? क्या वो जिंदा है? जिंदा? अभी आप तो कुछ ऐसे पूछ रही कि आपकी क्या मुलाकात नहीं हुई उससे। डोंट वरी, चलिए। मेरे पति कार में बैठे इंतजार कर रहे हैं, मैं बाद में आऊंगी। पति? इससे तो बेहतर था बेचारा सारी जिंदगी जेल में गुजार देता। कौन था वो आदमी? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तो अपने आप में नहीं रहती है। क्या बात है? शाम को मैं पुणे जा रहा हूं किसी जरूरी काम से, सुबह लौटूंगा। ये तो महज एक इत्तेफाक था कि भाभी मुझे मिल गई, वरना तुमने तो खत में मुझे कुछ लिखा ही नहीं। यकीन नहीं आता कि जिंदगी के रास्ते इस पूरी तरह बदल जाएंगे। और आप जिंदगियां टूट जाए, इसमें क्या रखा है हुसैन साहब? सीमा और पिंकी खुश रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम गलत सोच रहे हो कैलाश। तुम अगर भाभी से मिले बिना ही शहर छोड़ के चले जाओगे तो तुम क्या समझते हो चैन मिल जाएगा? नहीं कैलाश, जिंदगी की सच्चाइयों से भागना कैसा, उनका सामना करो। तुम्हें भाभी से मिलना होगा। मदन सिंह जी, तेल पेट्रोल सब चेक कर लिया ना? हाँ साहब। सुनिए, ये अचानक पुणे जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? जिंदगी में काफी कुछ अचानक हो जाता है, क्यों है ना? नहीं आना चाहिए था सीमा। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना? किस्मत में एक ऐसी मुलाकात भी लिखी थी। आखिरी बार जब तुम्हें जेल में मिला था तो मैं मरना नहीं चाहता था, आज मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकायत है। तुमसे शिकायत होगी भी क्यों? तुमने जिंदगी में जो कुछ भी किया पिंकी के लिए किया, उसकी खुशियों के लिए, उसे आपकी कमी महसूस ना हो इसलिए। अब मैं जिंदा इसलिए रहना नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी, मेरा वजूद एक बसे बसाए घर को उजाड़ देगा, उसकी खुशियां छीन लेगा, पिंकी से अच्छा बाप छीन लेगा। सीमा, रतन बाबू बहुत महान आदमी है। मैं यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए।
कभी फिर कभी मैं ना ले ला। नहीं कैलाश नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? सारी जिंदगी का बहुत 14 साल तक बर्दाश्त किया लेकिन अब हल नहीं होता। नहीं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मुझे जहर दे दो। पागल मत बनो सीमा। अच्छा इसी में कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं होगी सीमा। नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मुझे कहीं भी ले चलो, कैसे भी ले चलो, नहीं तो मुझे जहर दे दो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मुझे कहीं भी ले चलो, नहीं तो मुझे जहर दे दो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मुझे कहीं भी ले चलो, नहीं तो मुझे जहर दे दो। जहर वो नहीं, मैं दूंगा तुझे, और उन हाथों को भी तोड़ दूंगा जो मुझे जहर देना चाहते हैं। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद जो होता है उसे प्यार नहीं समझौता कहते हैं। अब समझौता नहीं, फैसला होगा। बेईमान, बेगैरत औरत, देखता हूं कौन सी बाहों का सहारा तुझे मिलता है। तेरी खुशी के लिए मैंने सारी कुर्बानियां दी और तूने अपने मरे हुए पति की याद का नाटक करते हुए दूसरा आदमी ढूंढ लिया। कोई बात नहीं, खुश मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसे मैं भी आबाद नहीं रहने दूंगा। हेलो जी, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं रतन बोल रहा हूँ। आज रात पिंकी के शो की कामयाबी में हमने एक पार्टी रखी है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। लेकिन रतन बाबू मैं तो आज वहाँ। चले जाना यार, हम कहाँ रोक रहे हैं। एक बार तुम पार्टी में तो आ जाओ, जाने का बंदोबस्त हम करवा देंगे। लेकिन सुनिए तो सही रतन बाबू। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें आना ही होगा। ठीक 11 बजे वो वहां पहुंचेगा। जग्गू से कहना काम हो जाने पर जितना रुपया उसे चाहिए मैं दे दूंगा, समझे? सुनो, एक्सीडेंट लगना चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? दोरा मुझसे छुआ मत मुझे। ये घर है, शराब खाना नहीं। हाँ हाँ, ये घर है मेरा घर, खाने मत छुओ मुझे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम 14 साल पहले भी एक जानवर थे और आज भी वही हो। आज मैं समझी, इन आलीशान घरों, इन चमचमाती मोटरों, इन कीमती पोशाकों से सिर्फ औकात बदलती है, आदमी की जात नहीं बदलती। जात? तुम जात की बात कर रही हो? एक बाजारू औरत को चाहे जितना भी प्यार दो, वो आदमी बदलने से बाज नहीं आती। क्या कहा? बाजारू औरत? हाँ हाँ बाजारू। तुम अपने यार से मिलने गई थी ना? हाँ? तुम बाजारू ही नहीं, एक घटिया औरत हो, वेश्या हो तुम।
वो मेरे यार हैं, पिंकी के पापा हैं और मेरे पति हैं। उनकी फांसी की सजा माफ हो गई, मुझे पता न चला। वो हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे। जब हमें पाया हम तुम्हारे हो चुके थे। तुम्हारी खुशियां बर्बाद ना हो इसलिए वो छुपते रहे। मुझे तो आज मालूम पड़ा, उन्होंने यही कहा, नहीं वही तुम्हारा घर है। वो तुम्हें देवता समझते हैं क्योंकि तुम उनके बीवी बच्चे से प्यार करते हो। तुम हमारा सहारा हो। प्यार तो वो मुझसे आज भी करते हैं, लेकिन वो प्यार ही क्या जो बलिदान न दे सके। कैलाश आज ये शहर छोड़कर जा रहे हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, तुम खुश रह सको, ये घर घर बन सके। ये क्या क्या मैंने, ये क्या क्या मैंने, क्या हुआ तुमसे, क्या हुआ, सुनिए तो। अरे साहब गाड़ी आपके पास आई ली है। जरा संभाल के चलाओ, अभी एक्सीडेंट होने वाला था। सॉरी। साहब लगता है फाटक बड़ी देर से खुलेगा, क्लब यहां से नजदीक ही है, आप शॉर्टकट से चले जाइए। यूं जो होना चाहिए था। तूने एक दिन कहा था ना जब तेरे पापा आ जाए
मैं चला जाऊं घर, तेरे पापा आ गए बेटे, नहीं बेटी रो मत, रो मत, सिर्फ एक बार मुझे पापा कह रहे। पापा गलत है कि मरने वालों को जिंदगी से निजात मिलती है, इस बहाने से गम के मारों को और लंबी हयात मिलती है। माना जन प्यार है